नमस्कार, मैं हूं रविशंकर सिन्हा और सील टीवी में आपका स्वागत है। और चार दिवसीय छठ महापर्व में आज हम मौजूद हैं, भागलपुर के बरारी पुल घाट पर मौजूद हैं। और यहां हम बात करेंगे, यहां एसडीआरएफ की टीम जो है, इंस्पेक्टर जो गणेश जी ओझा हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है विभिन्न घाटों के लिए, जो भी तमाम तैयारियाँ की गई है प्रशासन की ओर से, उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक जानकारी लेंगे। तो जी, क्या तैयारियाँ की गई है? एसडीआरएफ टीम की तरफ से मैं पहले सील टीवी को धन्यवाद देता हूं छठ पूजा के शुभ अवसर पर, और जितने चैनल वाले हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। जिला पदाधिकारी महोदय, वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय के द्वारा एसडीआरएफ टीम को विभिन्न घाटों पर, जैसे बूढ़ानाथ घाट, विक्रमशिला पुल घाट, एसएम कॉलेज घाट, बरारी घाट, डीपीएस घाट, सबौर घाट, सभी जगह पर टीम को मुस्तैद कर दी गई है और रेस्क्यू कार्य में लगी हुई है। सिल्क कितने बोट लगाए गए हमारे पास में? अभी जिला में 8 बोट लगे हुए हैं, कहलगांव, सुल्तानगंज, भागलपुर में लगी हुई है, सब जगह रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं। सब जगह समझाया जा रहा है कि बच्चे किनारा पर जो हैं उनका हाथ ना छोड़े, पटाखा ना छोड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कमर भर पानी में स्नान करें, क्योंकि आगे आने पर आपका जान जोखिम में पड़ सकता है। और एक साथ साथ में हेल्पलाइन भी अपना मैं खुद नंबर दे रहा हूं कि 9955568113, किसी अप्रिय घटना की हो तो तुरंत जानकारी दे, हम अपनी टीम को वहां पर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। आप पहले भी इस तरह का मतलब काम करते रहे हैं, लगातार जुड़े रहे हैं, तो इस बार कोविड के गाइडलाइन के दौरान जो है क्या अंतर दिख रहा है? हम इसी छठ पूजा में पहले बीते वर्ष लोगों को जान बचाए हुए हैं और जीरो यहाँ पर मृत्यु दर किया गया था, जो कि डूबने वाला प्रक्रिया में, आज हम लोग उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं और सिल्क टीवी हमारे साथ में 4 बजे से लगी हुई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइडलाइन कोविड-19 का सब पालन हो रहा है, छठ घाट में खूब बढ़िया से अपना पूजा पाठ हो रहा है, इसके लिए जिलावासियों को भी धन्यवाद। तो आपने देखा कि अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर घाट का कुछ दृश्य दिखाएंगे, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं और लोग यहाँ पर छठी मैया की पूजा, भगवान भास्कर उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से यह अपील भी की गई थी कि कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए अधिक संख्या में लोग घाटों पर ना जाएं, बल्कि इसके बदले कृत्रिम जो घाट बनाए गए हैं, कृत्रिम तालाब जो बनाए गए हैं, और घरों में लोग छठ पूजा को संपन्न करें, तो अलग उसका असर देखा भी जा रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घाटों पर भीड़ लगी हुई है, और यहाँ एसडीआरएफ की टीम भी जिला प्रशासन की ओर से लगातार यहाँ तैनात की गई है। और हम आपको बता दें कि इसी के साथ 4 दिनों तक चलने वाला जो ये छठ महापर्व है, उसका ये आज अंतिम दिन है। आज उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह छठ महापर्व सम्पन्न हो जाएगा, और इसके लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, टीम उसमें लगातार तैनात है। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, सील टीवी, भागलपुर।